मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं, मुझे ये पाना है और ये मुझे चाहिए, वो भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। तुझे ठीक लगता है तो दे ही देगा, अनुचित लगता है वहां से हटा देना। जो तित भावे सो भलीकार, जो तुझे हो पसंद वही बात करेंगे। तू दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे। अगर एक व्यक्ति के लिए गाना गाया या फिल्माया जा सकता है तो परमात्मा के लिए या अपने गुरु के लिए क्यों नहीं। जो तुझे हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहे रात तो रात कहेंगे। जो तू कर ले वही सही। मैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तेरी शरण हूं। जो तुझे हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे। कितने सुंदर शब्द हैं इसमें, कितने सुंदर भाव हैं। मैं अर्जी तो लगाऊंगा, साथ में ये भी सोच लूंगा कि तुझे पसंद हो वही करिएगा, तुझे ना पसंद हो तो मत करना। बच्चा चाहे कितना भी रो ले, जो उसके हित में नहीं होता माता पिता नहीं करते, और जो हित में होता है वो उसके बिना बोले कर लेते हैं। तू भी तो माताओं की माता है ना, जो कुछ भी मेरे हित में है वो तो कर ही रहा है। जो मेरे हित में ना हो उसकी पकड़ मुझे नहीं रखनी। हाँ, अर्जी लगाने का अधिकार है मेरा, पर वो पूरा हो ये आग्रह नहीं है। मैं सारी मान्यता कामना इच्छाओं के साथ तुझे समर्पित हो रहा हूं। जो तुझे पसंद हो वही बात हो। हे मेरे गुरु परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, तू माताओं की माता है ना, थोड़े में वो हृदय माताओं से भी बढ़कर है। मैं थोड़ा सा दुराग्रह करता हूं तू चलाता है, मैं गिरता हूं तो फिर संभालता है, मैं बार बार परेशान होता हूं तो फिर उठा लेता है। तेरी उदारता और करुणा का कोई पार नहीं। तेरी करुणा और उदारता से ही मैं फिर चल पाने की हिम्मत जुटाता हूं। बस मेरी हृदय से एक प्रार्थना को स्वीकार करना मेरे नाथ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मैं तो भक्ति भी नहीं जानता कि कैसे की जाती है, मैं तो कर्तव्य भी नहीं जानता कैसे पाला जाता है, कोशिश करता हूं। ज्ञान में तो मेरी चोंच डूबती ही नहीं, मैं स्वयं नहीं जानता मैं क्या और क्यों कर रहा हूं। आज मेरी एक प्रार्थना हृदय पूर्वक की है, मेरे मालिक, मैं जो कुछ भी करूं उसे अपनी पूजा के तौर पर स्वीकार करते रहिएगा।
जानकर करूं अनजाने में करूं। यही मानना कि मैं तेरी उपासना के लिए कर रहा हूं और उसके बदले में तू मिल जाना। मैं तो पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा था, आज भी तो भटक रहा हूं, न जाने कितने समय से मैं अपनी मनमानी करता आया था, आज भी कर रहा हूं। तू कैसे रीझता है मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूं, मैं तो नहीं जानता तू कैसे रीझता है, पर मैं तो तेरा छोटा सा बालक हूं ना। बालक यदि नादानी करे तो भी मां को प्रसन्नता होती है और मां मानती है कि मेरा बच्चा मुझे रिझाने के लिए कर रहा है। मेरी सारी नादानियों को तू तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं इस गिनती में शामिल कर देना। हे कृष्ण, हे गुरुदेव, हे मेरे नाथ, आप मेरे प्राण हैं, आप ही जीवन है, आप ही से सारी सृष्टि है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म को जानता हूं कई बार, कितनी कितनी बार इस मन ने पाप कर लिए हैं। चिंतन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा पाप पुण्य सारे मैं तुझे अर्पित करता हूं मेरे मालिक। शरणागति योग है, भक्ति योग है, अहम को समर्पित करना भक्ति है। मैं तेरा छोटा सा बालक हूं, मेरी माताओं की माता, मेरे परम सुहृत करुणाशील कृपा सिंधु क्षमा के सागर, तू प्रत्येक पल इंतजार करता है मेरा बच्चा मेरी ओर आगे बढ़े, और मैं तुझे छोड़ छोड़ कर भागने की कोशिश, तेरे अलावा हर जगह पर मन लगता है, बस तुझ में ही नहीं लगता। खिलौने देखने में इतना व्यस्त हुआ कि घर जाना ही भूल गया। आ लौट चले अपने घर, चलो ना लौट चलते, आओ सारी कामना और इच्छाओं को समेट कर लौट चलते उसकी शरण में, जहां आह्लाद है, आनंद है, मां की छत्र छाया का सुकून है। उसकी सुरक्षा की कड़ी मजबूती है। हे मेरे ईश्वर, अपने गोद में बिठाए रखिए, आपकी कृपा का साये के सुरक्षा कवच में रहे, बड़ा सेफ है ये।
बंदरिया कहीं बैठती है ना, उसका बच्चा थोड़ा सा खेलने के लिए यहां वहां जाता है। जब मां जाने को होती है तो उसे पीछे से थपथपाती है। वो घूम फिर कर फिर मां के छाती से लिपट जाता है, चिपक जाता है। मेरे मालिक, मैं भी थोड़ा इधर उधर जाता हूं, मुझे थपथपाया कर ताकि मुझे याद आए मैं घूम फिर कर तेरी ओर आ जाऊं। परमात्मा की याद में जिसकी आंखें गीली नहीं होती, जिसका हृदय पिघलता नहीं, उस कठोर हृदय का क्या किए, क्या किया जाए उन आंखों का जिनमें भाव और भक्ति के दो अश्रु नहीं गिरते। क्या करेंगे उस हृदय का जो संसार की कामनाओं से इतनी बोझिल हो गया है कि उसे भाव और भक्ति के रस से पिघलने में भी वक्त लगता है। मैं अपने हृदय के साथ तुझे समर्पित हूं मेरे ईश्वर। क्या करना है इसका तू देख। कामनाओं के चलते में बोझिल तो हुआ हूं, ये सत्य है, कोई दो मत नहीं है इसमें, पर तेरे लिए असंभव भी तो नहीं है ना मेरे मालिक। ओ मेरे कृपानाथ कृपा करो, ओ मेरे कृपानाथ कृपा करो, कृपा करो, दया करो, हे दयानिधे दया करो, हे करुणा सिंधु करुणा करो, हे कृपा के सागर कृपा करो। मैं आपकी शरण ग्रहण करता, हे कृपानाथ कृपा करो, हे दयानाथ दया करो, हे दयानिधे मैं आपकी शरण हूं। मेरा हाथ थाम लो मेरे परमात्मा, जित जित तू चलाए उत उत चलूं, जित जित तू बिठाए उत उत बैठूं। हे कृपानाथ कृपा करो, दया निधे दया करो, करुणा सिंधु करुणा करो। मैं तेरा तेरा सच में तेरा। परम विरक्त सुखदेव महाराज जन्म लेते ही जंगल में चले गए। पिता व्यास जी ने रोकने का प्रयत्न किया परंतु सब कुछ व्यर्थ था। जैसा ही जन्म लिया वैसे ही जंगल की ओर चले गए। पिता ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? इस संसार में रखा ही क्या है? नाशवान मन चित्त बुद्धि और ये जगत। मैं उस सार परमात्मा को पूजने जा रहा। माया में तो बड़े बड़े व्यक्ति भी उलझ कर रह गए। पिता व्यास ने बहुत रोकने का प्रयत्न किया पर रुके नहीं।
भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों को उनके पुत्र सुखदेव को ढूंढने भेजा। सारे प्रयत्न विफल हो गए, आने को तैयार नहीं। ऐसे ही परम विरक्त सुखदेव महाराज को इतनी ऊंची स्थिति के धनी थे कि जिन्हें संसार से परम वैराग्य था, नाशवान और भोग पदार्थों को तुच्छ समझते थे, वो भी कृष्ण का नाम लेते आंखों से अश्रु धारा बह जाती थी। हमारा हृदय भी उतना पिघलने के लिए यदि तैयार नहीं तो कामनाओं के बोझ से बोझिल है। वेदव्यास ने कृष्ण के एक सुंदर दो पंक्तियों का श्लोक लिखकर अपने शिष्यों को कहा, जंगल जंगल जाओ और इसे जोर जोर से गाओ। कृष्ण की महिमा सुनते ही सुखदेव की समाधि टूटी। श्लोक की दिशा में सुखदेव उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। सुध खो गए, सारी सुधबुध भूल गए। कृष्ण 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 आंखों से भावाश्रु बहने लगे। श्लोक गाने वाले शिष्य ने देखा कि सुखदेव जी की चित्त वृत्ति ज्ञान से समाधि से हटी है। कृष्ण के रस में सुखदेव जी पीछे पीछे चले आ रहे। उसी श्लोक का बार बार उच्चारण करते करते शिष्य आगे बढ़ता है, सुखदेव जी पीछे पीछे चलते हैं। सुनो किसने लिखा है ये, उत्तर मिलेगा किसने लिखा है। बड़ा मनोहर श्लोक है। करते करते शिष्य उनके पिता के पास ले आया सुखदेव को। तब व्यास समझाते हैं, पुत्र तुम्हारा जब भक्ति की गंगा को बहाने के लिए हुआ है, समाधिस्थ ज्ञान और योगियों को भी जब भक्ति का रसास्वादन आता है, भाव विभोर हो जाते, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते। वही सुखदेव ने भागवत का श्रवण किया। कृष्ण के नाम में आंसू आए। परम विरक्त सुखदेव परीक्षित को उपदेश करते हैं। परीक्षित जब इंद्रियां विषयों की ओर कामनाओं की ओर से हटकर हृदय में स्थित हो जाती है, तभी सारी जैसे मैग्नेट चुंबक की ओर सारी किलियां आके अट्रैक्ट होती है, वैसे ही ये रसमय भगवान के नाम में प्रीति में इतना आनंद है, सारी वृत्तियां ठहर सी जाती है। और वही चित्त वृत्तियां शांत बनी हुई ईश्वर को प्राप्त कराने में मदद रूप होती है।
मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। मेरे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। मेरी मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, इंद्रियां, मेरे लोग, मेरा परिवार, मुझ सहित सारे आपको समर्पित। मेरे नाथ, सरेंडर करता हूँ। जैसे देश के बॉर्डर पर सिपाही शरणागत होता है, ऐसे ही मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ। विकारों से मेरी रक्षा कीजिए मेरे नाथ, मैं पुकार रहा हूँ आपको। विषयों से मेरी रक्षा कीजिए मेरे नाथ, मैं आपकी प्रीति चाहता हूँ। दोनों हाथों को आपस में रख लीजिए। सबसे पहले हृदय पर भक्ति, इस हृदय में भक्ति का प्रवाह बहे। भक्ति मेरे चित्त में, मेरे हृदय में ऐसा रसप्रद भक्ति का उद्भव हो कि बाहर रस खोजने की आवश्यकता ना पड़े। मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक उसे आंतरिक रस नहीं आता। जब अंतर से रस उत्पन्न होने लगता है तो बाहर के सारे रस फीके हो जाते हैं। मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ मेरे नाथ, हे रसेश्वर, हे रसेश्वर। आइए मुझे अपनी प्रीति से सराबोर करें।